राजस्थान सरकार में मंत्री टीकाराम जूली का 40वां जन्मदिन उनके समर्थकों ने रक्तदान शिविर के साथ मनाया। साथ ही यहां जूली का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। पिछले कई दिनों से जिले में इस तरह के रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले जूली के जन्मदिन के अवसर पर मुंडावर, बांसुर और मालाखेड़ा में भी रक्तदान शिविर लगाए गए। मैं धन्यवाद देता हूँ समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को और उन रक्तदाताओं को कि जो रक्तदान करके किसी को जिंदगी दे रहे हैं, मेरे जन्मदिन का अवसर पर दे रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथ के साथ रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, ये जीवन दान है। आप किसी को जिंदगी दे रहे हो, जिस व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती है इमरजेंसी के अंदर, वो इसकी कीमत समझ सकता है। और साथ साथ ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार युवाओं के अंदर जागरूकता आई है, लोग ब्लड देने लगे हैं और आप देखेंगे कि लगातार ब्लड डोनेशन कैंप भी लगातार बढ़ रहे हैं। और मेरे ऊपर विशेष कृपा है मेरे समर्थकों की, इन रक्तवीरों की, जो स्पेशल आज उन्होंने इस दिन को स्पेशल बना दिया। इससे पूर्व जूली ने आज मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जगन्नाथ जी महाराज के दर पे आके यही कह रहा हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पे बने रहे और उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैं भगवान जगन्नाथ जी से यही कहता हूँ कि वो पूरे अलवर में, राजस्थान पे, पूरे देश में कृपा बनाकर। बोलो जगन्नाथ जी महाराज की जय।